हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारा तालीम पूरे स्नैक्स से और यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आए हुए हैं ग्राम में और थोड़ा टाइम बता दीजिए, कितना टाइम हो रहा है। टाइम वही 3:45 42। ठीक है, तो दोस्तों 3:45 हो रहा है टाइम और इसी बीच सांप जो है निकला हुआ है। तो अपना गांव का नाम बताइए। मधुबन। अपना नाम बताइए। अशोक। तो दोस्तों मधुबन ग्राम में आए हुए हैं और अशोक जी इनका नाम है। ठीक है, और सांप जो है इस साइड में निकला हुआ है। तो धामन सांप देख करके लग रहा है, पर पूरा निकालने के बाद सांप का बारे में पता चलेगा कौन सा सांप है। तो दोस्तों सांप जो है बदलते मौसम के कारण अक्सर जंगल में ही आ जाता है। जब जंगल में पानी बारिश के माने कारणवश पानी जब जंगल में चला जाता है तो यह सूखा हुआ जगह पर आने का प्रयास करता है और दोस्तों इंसान से छुप करके रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान को पता चलता है कि यहाँ सांप है तो भय का माहौल हो जाता है और दोस्तों हम लोगों को आना पड़ता है रेस्क्यू करने के लिए। तो खैर डर वाला बात नहीं है क्योंकि यह गंदा जहर वाला सांप है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ना धामन साहब। धामन है तो वह हाथ में ना धर छोड़ू ना। चुप ना चुपका बड़ा बोल रहा सुनाई अपन को सब समझे तुम को निकले सब वैसे अपन को पास हिम्मत रखती है। तो दोस्तों धामन सांप है और काफी एक्टिव होता है। ठीक है, इसको घोर पछार सांप भी बोला जाता है। तो वैसे ये किसी को काटना नहीं चाहता है, पर जब भी इस सांप को डर लगता है तो सामने वाला को जकड़ लेगा। ठीक है, और नहीं तो काटने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसके सामने खड़ा रहेंगे बिना हिले डुले तो यह किसी को भी नहीं काट सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलेगा। देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके पास पलक नहीं होता है, यही कारण है कि यह स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसको हिलता डुलता अगर प्रतिबिंब नजर आता है तो ही यह बाइट करने का प्रयास करता है, नहीं तो यह सामने वाला को देख नहीं पाता है स्पष्ट कि सामने कौन है। और देख सकते हैं बचाव करने के लिए यह काफी एक्टिव है। और देख सकते हैं यही एक सांप होता है जो पूंछ से भी ऊपर जंपिंग मार देता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो दूसरा कोई सांप पूंछ से ऊपर जल्दी नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं इस सांप को हम लोग जो पकड़े हैं ना, हमने इस सांप को पकड़ लिया तो एकनी के मारे लेना ले जाके जंगल में छोड़ दे। अब एक पकड़े ला कोई जड़ी बूटी नहीं खे। ठीक, आ ना ही मंत्र तंत्र होगा एकर। एकर हमने ट्रेनिंग ले बाड़ी, 2 साल 3 साल 4 साल कमेले बाड़ी, एकरा बारे में पढ़ाई के ले बाड़ी। सांप कोनो काट ले तो सीधा जिला हॉस्पिटल में जाए के चाहिए जहाँ पर एक दवा उपलब्ध रहे। ठीक बा, बिना प्रशिक्षण के
जैसे कि देख करके कोनो के टू कॉपी ना करेंगे चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग पकड़ लिए तो देखा देखी टू कॉपी लोग करेगा, बाई चांस एक कार्ड भी लिया तो हमको पता है कि जहर नहीं है, लेकिन किसी और को काट लेगा तो घबराहट से भी जान जा सकता है। तो इसलिए विदाउट प्रशिक्षण के इसको पकड़ने का प्रयास आप लोग ना करें, ठीक है। और कभी भी कोई भी सांप काटे सीधा हॉस्पिटल झारखंड के चक्कर में ना, कहे कि हमने पूरा भारत में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग मर जाले सांप काटे। कारण ये बा कि तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाले कि ना, झारपू के चक्कर में पड़ला के बाद जब मरीज मर जाले तब जाके ओकरा के लोग हॉस्पिटल में लेके जालन, तो लेट हो जाले बहुत ज्यादा। और सांप अगर काट ले बा गहूमन मने जो कोबरा बोल जाले, अगर वो काट लेलक चाहे कोमन करे तो घोर करे तो इस सांप बोल जाले ओकर, और वो काट लेलक तो 2 घंटा के समय मिल है, ठीक बा। घबराए के ना चाहिए, 2 घंटा के समय मिली आराम से हॉस्पिटल में जाके इलाज करवावल जा सकल है, ठीक है। कोई चीज है तो दीजिए ना, डिब्बा बता दो। एकरा बारे में ये चीज मैंने अंधविश्वास फैलावल गेल बा, ठीक है, कि पूछ से मार दे बोले तो देखल जाए, पूछ से एकरा कहीं पर भी जहर न हो बोले, कोनो के मार दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक छुके देखे के वही ला मने ये अपने के दिल से डर भगावे ला, एकदम कहीं पर भी जहर न हो बोले देखल जाओ, एकरा कहीं पर भी जहर न हो बोले। हाँ, यदि ही मारी नू तो चोट लागल है बहुत ज्यादा, ये अगर कोनो के पूछ से मारे तो चोट लागी, जैसे कि कोड़ा से मारे जैसे चोट लागी, वही लगे अगर पूछ से चोट लागल है, क्या कि बहुत मजबूत है सांप हो गए, ठीक। अगर आप लोग छूना चाहते हैं तो छूना हो तो चलिए दोस्तों, सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है और इसे दूर ले जाकर के जंगल में छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ कोई छेड़छाड़ बदतमीजी नहीं होता है, सुख शांति से इसे जंगल में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर इसके रहने के लिए खाना पीना क्या उपलब्ध हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने तालिमपुर एसेंशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सर्च मारे तालिमपुर, हमारा चैनल आ जाएगा तालिमपुर एसेंशियल, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि हमारा नंबर वहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से लेकर के हर वीडियो में हमारा नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।